हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि कैसे हम सी लैंग्वेज में मैट्रिक्स का कोई प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ अपना टर्बो सी खोल लेते हैं। यहाँ टर्बो सी देख रहे हैं, जैसे विंडो पे ओपन हो चुका है और हमने यहाँ एक नया फाइल ले रखा है। तो फिर उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ वॉइड मेन लगाना होगा। फिर वॉइड मेन लगाने के बाद ब्रैकेट, फिर यहाँ में करली ब्रेसेस लगाने के बाद हम यहाँ पहले इंटीजर लेते हैं, वैल्यू जो इंटर करा में इंटीजर में है इसलिए इंट लगा लेते हैं। और हम यहाँ एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, जिसकी जो एक वेरिएबल हमने ले लिया यहाँ पे ए, जिसकी साइज 2x2 की है। और फिर एक सेकेंड वेरिएबल हमने ले लिया यहाँ पे बी, जिसकी साइज 2x2 की है। तो और हमने एक यहाँ एक थर्ड वेरिएबल ले रखा है जिसमें हमें इन दोनों के सम की जो वैल्यू है उसे स्टोर करानी है। तो ये हमारा सी हो गया। और उसके बाद हम यहाँ दो और वेरिएबल ले लेते हैं आई और जे लूप चलाने के लिए। तो ये हमारा ये इंटीजर हमने ले लिए वेरिएबल्स जो है, टर्मिनेट कर दिया। नीचे आने के बाद CLR SCR लगा लेते हैं क्लियर को, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब उसके बाद हमें दोस्तों प्रिंटफ लगाना है, हमने यहाँ लगा लिया प्रिंटफ। इंटर 9 वैल्यू फॉर मैट्रिक्स ए, हमें यहाँ पहले 9 वैल्यू इंटर करानी है जो कि ए मैट्रिक्स में जाके स्टोर होगी। तो हम यहाँ फॉर लूप चला लेते हैं, इसमें आई की वैल्यू जो है हमें 0 से स्टार्ट करनी है। आई से स्टार्ट कर 0 से स्टार्ट करके आई इज लेस देन इक्वल टू 2 तक चलानी, क्योंकि हमें दोस्तों बस 9 ही वैल्यू इंटर करानी है। और यहाँ हमने आई प्लस प्लस लगा दिया। और उसके बाद फिर फॉर लूप लगाते हैं, जे की वैल्यू हमें यहाँ देते हैं, जे इज इक्वल टू 0 से लेके जे इज लेस देन इक्वल टू 2 और जे प्लस प्लस। तो इसी तरह दोस्तों, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे स्कैनफ लगा लेते हैं जिसमें हमें वैल्यू स्टोर करानी है। परसेंट डी यूजर से हमें इनपुट लेना है, इस वजह से हम यहाँ स्कैनफ लगा रहे हैं। और परसेंट डी इंटीजर है, इस वजह से लगा रहे हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर है जैसा कि आप जानते हैं। और उसके बाद हमें स्टोर कराने ए आई जे में, ये हमारा ए आई जे हो गया, टर्मिनेट किया। और फिर दोस्तों हमें सेकेंड मैट्रिक्स की वैल्यू इंटर करानी है यूजर से। तो प्रिंट ऑफ इंटर 9 वैल्यू, सॉरी दोस्तों यहाँ 0 हो गया, और मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, हमें यहाँ बी में इंटर कराना है दोस्तों। फिर हमें यहाँ टर्मिनेट कर देना है इसको। फिर हमें यहाँ फॉर लूप चलाना है, आई की वैल्यू जो कि आई से आई इक्वल टू 0 से चलेगी, आई इक्वल टू 0, और जो आई की वैल्यू है हमें लेस देन इक्वल टू 2 तक चलानी है, कॉमा आई प्लस प्लस। फिर इस तरह जे चलाना है हमें फॉर लूप से, जे इक्वल टू 0 कॉमा जे लेस देन इक्वल टू 2 कॉमा जे प्लस प्लस। अब उसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ स्कैनफ कराना है, स्कैनफ लगाना है क्योंकि हमें यूजर से इनपुट इंटर कराना है। परसेंट डी या कॉमा, ये हमें वैल्यू कहाँ स्टोर करानी है, बी में, बी ऑफ आई जे। ये हमारा दो वैल्यू इंटर हो गया, दो मैट्रिक्स इंटर हो गया यहाँ। अब हमें थर्ड, जो थर्ड मैट्रिक्स है जिसमें हम दोनों को ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए हम यहाँ फॉर लूप चलाएंगे, जो कि हम पहले इसकी बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बंद बनाएंगे। फॉर इक्वल आई इक्वल टू 0, फिर आई इज लेस देन इक्वल टू 2 कॉमा आई प्लस प्लस। फॉर जे इज इक्वल टू 0 कॉमा जे इज लेस देन इक्वल टू 2 कॉमा जे प्लस प्लस। हमें यहाँ दोस्तों क्या करना है, लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बना देनी है। और इसके बाद भी एक लगा देना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, समीशन देना है जो हम ऐड करना चाहते हैं।
हम यहाँ पे c की जो वैल्यू है वो a और b के प्लस के इक्वल दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे c i j इज इक्वल टू a i j प्लस b i j, क्योंकि a और b दोनों मैट्रिक्स का जो सम है वही हमारे c में स्टोर होगा जाके b i j। फिर हमें टर्मिनेट कर देना यहाँ और फिर प्रिंट ऑफ लगाना है हमें यहाँ, प्रिंट ऑफ परसेंट डी, और ये प्रिंट ऑफ है तो हम एड्रेस नहीं लगाएंगे इसका, डायरेक्ट हमें वैल्यू जहाँ स्टोर करानी है वो लिखना है, वैल्यू में डायरेक्ट जहाँ स्टोर करानी है। हमने इसको यहाँ टर्मिनेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप का एक लूप मतलब एक कर्ली ब्रेसेस से इसकी बॉडी बना के बंद कर देंगे इसको। अब ऐसे अगर दोस्तों हम यहीं से प्रिंट कराते हैं तो ये एक ही लाइन में देगा ना कि सिक्वेंशली देगा, सिक्वेंशली चलाने के लिए मैं फिर बैक स्लैश एन लगा देते हैं हम। बैक स्लैश एन लगा दिए जिससे दोस्तों हमारा वैल्यू सिक्वेंशली देगा। उसके बाद गेट सी एच लगाना है हमें यहाँ ताकि स्क्रीन होल्ड करे कुछ देर तक। अब हमें क्या करना है, इसको हम पहले सेव करेंगे। हमने यहाँ मैट्रिक्स डॉट सी लगा दिया, ये हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है, हम इसे कंपाइल कराते हैं। तो ये कंपाइल भी हो गया, मैं यह रन हो गया है और नाइन वैल्यू मैट्रिक्स ए के लिए इंटर करानी है वन। हम यहाँ दोस्तों वन ही इंटर करा रहे हैं क्योंकि हमें बस चेक करना है कि ये प्रोग्राम सही है कि नहीं। और देखिए दोस्तों यहाँ हमारे तीनों मैट्रिक्स सिक्वेंसली शो कर रहा है 2 2 2 2 2 2 और 2 2 2। जैसे कि आप जानते हैं 1 + 1 = 2 ही होता है और हमारे यहाँ 9 एलिमेंट वो हो चुका है। यहाँ लूप 3 तक चलाते हैं और ज़्यादा वैल्यू शुरू कराने के लिए तो हम क्या करते हैं यहाँ इंटर 16 वैल्यू कर देते हैं अब, और लूप को हम 2 हटा के 3 तक चलाते हैं। हर जगह में कुछ नहीं करना है, बस 2 को हटा के 3 कर देना है। और हम इसे कंपाइल कराते हैं, सेव कर लेते हैं पहले दोस्तों इसको। ये हमारा प्रोग्राम रन होने लगा है अब। फिर यहाँ हम इसे वैल्यू देते हैं, यहाँ अभी भी हम यहाँ एक ही लेते हैं, बस हमें बस चेक करना है ये प्रोग्राम रन कर रहा है कि नहीं। तो ये हमने 16 वैल्यू इंटर कर दी ए में, ये बी में भी इंटर हो गया, और ये जो सी की वैल्यू दे रहा है समीशन जो ऐड करके दे रहा है, ये देखिए 4x4 की आपकी मैट्रिक्स तैयार हो चुकी है जो समीशन है ए और बी का। तो दोस्तों इस तरह आप ये मैट्रिक्स की कोई प्रोग्राम सी में चला सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सर, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें।